हे एवरी वन दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव ऑफ आ बुक विच इज टाइटल्ड एज द स्नेक एंड द मिरर और इस चैप्टर के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी जो है बहुत ब्यूटिफुल डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रिवियस वीडियोज बट नाउ वी नीड टू सॉल्व द एनसीआर टी क्वेश्चन दर हैव बीन आज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर सो बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चन ऑब्वियसली ये जो स्टोरी है इट्स नॉट दैट कॉम्प्लीकेटेड इट्स वेरी स्वीट सिंपल एंड हिलेरियस स्टोरी तो जितना यू नो इंटरेस्टिंगली हमने इसको पढ़ा है द फन वी हैड यू नो वाइल रीडिंग दिस स्टोरी सिमिलरली इसके जो भी क्वेश्चन हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नॉट ओनली दे आर टेक्स्ट बेस्ड बट ऑल्सो यू गेट टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड ऑल्सो यू विल गेट टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ग्रामर तो हम जो हैं इस पूरे चैप्टर के जितने भी टेक्सट रिलेटेड क्वेश्चन लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं इस एन में वो सारे ही क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले

बट एक्चुअली उनके घर में इतने रैट्स हैं दैट ही वॉज लाइक कि ये साउंड जो है वो रैट्स ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे सो इट इज अ फर्मिलियर साउंड क्लियर तो यहां पूछा है वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर सो ही हर्ड सम साउंड और सम नॉइज फ्रॉम अब देन वॉट डिड ही थिंक इट वॉज सेम जो स्टेटमेंट दिया ही थॉट दैट दिस साउंड इज मेड बाई द रैट्स दैट विंग इन दैट रूम स्पेसिफिकली ये बोला है कि पीपल कैन से कि जो होम्योपैथ डॉक्टर है वो शेयर कर रहे थे रैट्स के साथ इस रूम को सो दिस नॉइज वॉज हर्ड फ्रॉम अब बाय होम्योपैथ डॉक्टर एंड ही थाट इट वॉज अ फमीलियर वन हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट तो पूरी स्टोरी में हम इंक्लूडिंग यू नो जब वो एंटर करते हैं रूम में अगर उससे काउंट करें तो देर आर टोटल फोर टाइम्स जब उनको ये साउंड सुनाई देता है थ्री टाइम्स तो होता है जब वो रूम में एंटर कर चुके हैं हीज थिंग समबाउट समथिंग तो वो तीन बार साउंड हैं जिसके फ्रेजेस भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे बट एज ही एंटर्स इन साइड द रूम जैसे ही वो आते हैं आफ्टर हैविंग डन फ्रॉम द रेस्टोरॉन्ट तो वहां पर भी उनको साउंड सुनाई देता है तो ये टोटल मिला के कितनी बार हो जाता है फोर टाइम्स है कि यह साउंड

दैट टाइम ही वॉज लाइक उन्होंने दो डिसीज लिए थे फर्स्ट वॉज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन सेकेंड वन वॉज एन अर्थ शेकिंग डिसीजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिसीजन तो वो दो डिसीजन क्या है नंबर वन की वो डेली शेव करेंगे एंड हीश सो दैट ही लुक्स मोर हैंडसम और इसका रीजन क्या है बिकॉज ही इज अ बैचलर एंड ही

to shave regularly and grow a thin moustache and second one was to keep this attractive smile forever on his face clear so these are the two decisions earth-shaking decisions very important decisions jo wo lete hain while looking into the mirror clear all right next is i looked into the mirror and smiled says the doctor

एंड दट टाइम ही वॉज स्माइलिंग जस्ट टू सी की सी हाउ मच अट्रेक्टिव स्माइल आई हैव ऑन माई फेस मेरी स्मा कितनी ब्यूटुल कितनी अट्रैक्टिव है एंड सेकेंड टाइम जब वो बोलते आई फो गॉट माई डेंजर एंड माई फीवली एट माई सेल्फ दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग अबाउट द मेडिसिन की क्या मेडिसिन घर में रखी है जो मैं यूज कर सकता हूँ इनकेस द स्नेक बाइट्स मी और यू नो अटैक्स ऑन मी तो तब ये जो मेडिसिन का सोच रहे हैं ही वॉज लाइक कि घर में तो कोई मेडिसिन है ही नहीं सो दैट टाइम ही वॉज ऑफ द थाट दट ही इज अ पुअर स्टूपिड एंड फूलिश डॉक्टर और ये चीज सोचते हुए ही स्माइलिंग एट सेल्फ क्लियर तो इसीलिए जो दो डिफ्रेंसेस है वो क्या है नंबर वन ही स्माइलिंग थिंकिंग अबाउट द अट्रैक्टिव स्माइल ही हैज नंबर टू ही इमाइलिंग थिंकिंग अबाउट हाउ मच फूल ही इज क्लियर तो ये चेंजेस क्यों आते हैं पहले और दूसरे में बिकॉज पहली बार जब वो ये स्माइल कर रहे हैं दैट टाइम ही इज नॉट फेसिंग एनी डेंजरस सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन बट जब ये सिचुएशन आती है वेर लाइक बोल सकते हो ना कि वो डेथ और लाइफ के बीच का बिल्कुल थोड़ा सा ठिन डिफरेंस है इट वॉज लाइक फोर इंचज अवे था यू नो स्नेक उनके फेस से सो दट टाइम ही वॉज इन अच अ सिचुएशन इट वॉज सो डिफिकल्ट एंड डेंजरस दैट ही वॉज स्माइलिंग ऑन हिमसेल्फ थिंकिंग अबाउट यू नो

दिस हैपन्स विद एवरीबडी राइट जब हम अपनी डिफिकल्ट डेंजरस सिचुएशन में होते हैं समथिंग अनफॉर्चुनेट है टाइम हमको रियल यू नो वर्थ समझ आती है किसी भी ह्यूमन बींग की या खुद की कि हम रियल में क्या हैं या फिर अपनी लाइफ की कि वट एक्जैक्टली यर लाइफ इज नहीं तो उसके पहले तो वी काइंड ऑफ इग्नोरेड और वी काइंड ऑफ हाइड यू नो हमारी ही रियलिटी फ्रॉम हार सेल्स सो दैट इज समथिंग जो कि पुकापा हमें रियलाइज होती है वेन वी फेस एनी डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन द वे दिस

What makes it it humorous? Think of the contrast it presents between dreams and reality. Some of them are listed below. Write short paragraphs on each of these to पैराग्राफ्स your answer. तो सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि ये स्टोरी है कौन सी भाई बहुत फ्राइटनिंग सी स्टोरी है किसी के ही कैन एनी टाइम यू नो डाय और वो जो सिचुएशन है उसे इतना ब्यूटिफुली हिलेरियस वे में इतना कॉमिकल वे में प्रेजेंट किया गया है दैट इज एंडी ट्रू राइट बिकॉज हमें पता है कि हम पढ़ के रहे हैं होम्योपैथ डॉक्टर की डिफिकल्ट एक डेंजरस सिचुएशन पढ़ रहे हैं बट देन टू हम हंस रहे थे राइट बिकॉज इट्स समथिंग जो कि एक फ्राइटनिंग सिचुएशन तो है बट इट्स बीन कन्वेड एंड पोर्ट्रेड इन अ वेरी हिलेरियस कॉमिकल और ह्यूमरस वे

इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पोजेशंस नो वॉट वी वुड भी यू नो थिंकिंग और एक्सपेक्टिंग इज कि ये जो पर्सन है ये डॉक्टर है तो ही मस्ट भी एटलीस्ट वेल सेटल चलो बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं बट खुद का एक घर होगा नहीं तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो होगी घर में राइट right? तो इस तरीके का हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वेन वी हीयर द वर्ड डॉक्टर बट यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही है दिस पर्सन इज अ डॉक्टर बट

द डॉक्टर इज अ पुअर मैन और यही पढ़ लो ना तो हंसी जाती है डॉक्टर इज अ पुअर मैन क्लियर तो यही क्या हो गया खिलेरियस एक ह्यूमरस वे हो गया इस स्टोरी को पोल्डरे करने का

तो ये जो है वन मत लिखो यहां पर ऐसे लिख लो ही ऑल्सो पजेस अ सॉलिटरी ब्लैक कोड बिकॉज सॉलिटरी का मतलब भी होता है जस्ट वन क्लियर तो यहां पर ये जो डॉक्टर है डॉक्टर है राइट right? और यहाँ पर क्या बोला है कि मनी ओ पोजेशन के टर्म्स में वो क्या है पुअर मैन है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है रूम में जस्ट जस सिक्सटी रुपीज है सूट में फ्यू फ्यू एंड जस्ट वन ब्लैक कोट तो ये सब चीजें क्या बताते हैं ये ह्यूमरस वे था टू कन्वे द स्टोरी क्लियर ऑल राइट नॉ नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें यूज करना है टू गिव आर आंसर दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट टू बी अपियरेंस और एम्बेशन किस तरीके के इंसान वो बनना चाहते हैं भले ही वो उनका अपियरेंस हो या फिर उनका एम्बिशन हो यानी कि ड्रीम हो क्लियर सो ही वॉन्ट्स टू बी अ हैंडसम पर्सन उनको जो है गुड लुकिंग बनना है यही उनका एक सॉर्ट ऑफ ड्रीम है सो ही डिसाइड्स टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश ही ऑल्सो विशेस टू अक्यूमुलेट वेल्थ और एम्बिशन क्या है कि ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो पैसे वाली हो राइट दैट इज हु इज रिच तो क्यों चाहिए उनको वैसा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अक्यूमुलेट वेल्थ ही इज नॉट ऑफ द थॉट कि मैं प्रैक्टिस करूंगा इतनी आई वुड वर्क हार्ड दैट आई वुड बी रिच बिकॉज ऑफ माई सेल्फ ऐसा नहीं है ही वॉन्ट्स टू मैरी अ वुमन जो कि रिच हो क्लियर तो इनका जो अपियरेंस की बात करें तो ही टू लुक वेरी हैंडसम बिकॉज ही इज अ बैचलर एंड ही इज अ डॉक्टर ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ दैट ही मेक्स अ डिसीजन दैट आई शेव रेगुलरली एंड ग्रोथ इन ऑन माई फेस एंड उनका जो एम्बिशन है वो सिर्फ एक ही चीज दिखती है दैट ही वॉन्ट्स टू अक्यूमुलेट वेल्थ वो पैसा वाले होने जाते हैं क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी

Lady. So he wants to marry a woman doctor who has plenty of money and good medical practice.

get married to this woman. Clear? तो ये चार factors हैं जो कि वो बताते हैं when you know he is like कि वो किस तरीके की woman से शादी करना चाहते हैं Now ये भी क्या हुआ एक humorous में हुआ right? जब भी हम ये पढ़ रहे हैं I think fourth या fifth time we are reading this line, but we feel you know the same वो जो comical जो एक feel है वो automatically आ जाता है automatically smile आ जाती है face पे तो definitely एक बहुत ही frightening story है but बहुत humorous way में convey की गई है Clear? All right. फैट person, person हो एंड जो कि उन्होंने पीछे भाग ना पाए बट ये दोनों ही चीजें नहीं होती गॉड हैज समिंग एल्स यू नो प्लान फॉर हेम सो वो जो है मैरिज ऐसी वुमेन से करते हैं हु इज लाइक वेरी थिंग स्लिम ट्रिम है लस लाइक अ रीड प्लांट एंड शी इज ऑल्सो यू नो गिफ्टेड लाइक शी इज अ स्प्रिंटर यानी कि वो जित बहुत तेज भाग भी सकती है तो ये दोनों ही चीजें उनको नहीं मिलती अगेन दिस इज वॉट ह्यूमरस राइट सो द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर दैट इज शी कैन यू नो रन वेरी फास्ट क्लियर तो ये दोनों चीजें ही ऑपोजिट है वॉट ही वॉन्टेड बट ही इज हैप्पी बिकॉज गॉड हैज समथिंग एल्स प्लान फॉर हिम और ये वो खुद भी यहाँ पर बताते हैं क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर अब इसको इस पे पैराग्राफ लिखना है कि उनके थॉट्स क्या है जब वो मिरर में अपने आप को देखते हैं सेम थिंग ही इज लाइक आई एम अ बैचलर आई एम यू नो अ डॉक्टर आई वांट टू लुक वेरी हैंडसम मेरी स्माइल बड़ी अट्रैक्टिव है आई विल शेव रेगुलरली आई विल ग्रो अ थिन सो दैट आई लुक मोर प्रेजेंटेबल मोर हैंडसम क्लियर तो यही सब थॉट्स हैं जो उनके दिमाग में आते हैं व्हेन ही इज एडमायरिंग हिमसेल्फ इनटू द मिरर सो व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर ही थिंक्स दैट ही हैज अ वेरी अट्रैक्टिव स्माइल So he decides to shave daily and retain his smile. He seems contented when he looks into the mirror. Definitely, he is very satisfied. एंड ही इज वेरी कंटेंटेड यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं अपने आपको मेरर में देखते हुए बिकॉज ही कंसिडर्स हिमसेल्स वेरी हेडसम उनकी स्माइल उनको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है और वो खुद को यू नो सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट कर रहे हैं दैट ही इज गुड लुकिंग तो डेफिनेटली वो बहुत सैटिस्फाइड है जब आप अपने आपको मेरर में देखते हैं एंड दी ज्यादा थॉट जो उनके माइंड में रन कर रहे हैं नंबर वन की वो बहुत गुड लुकिंग है उसके लिए उनको रेगुलरली शेव करनी है

ये जो स्नेक है ही बाइट्स मी तो ये जो चीज है उनके दिमाग में जैसी आती है पुअर मैन एंड ऑल्सो इज अ अटेड और अ फूलिश डॉक्टर ही इज टेरिफाइड बाय द स्नेक्स प्रेजेंट और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं ही इज वेरी वेरी टेरिफाइड जस्ट टू सी द स्नेक्स प्रेजेंट कोई भी हो जाएगा इट्स नॉट समथिंग जो कि यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था नहीं एवरीबडी वुड गॉट गेट फ्राइटेड एंड सम ऑफ द पीपल लूज लाइफ बिकॉज ऑफ दैट यू नो टेंशन हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है इफ दिस सी

नेक्स्ट इज अबाउट द लैंग्वेज अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से, you know, different ways स्नेक से फॉर एग्जाम्पल हेयर आर टेक्स्ट स्टेट विच ऑफ यू दैट ऑथर नंबर वन वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक वॉज प्राउड ऑफ हिज अस हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक अब देखो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं अभी आप देखेंगे आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं रीडिंग दो स्टेटमेंट्स वोट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप दैम सेपरेटली इन टू दिस कॉलम्स कह लेते हैं लाइक like, एक कॉलम में आपको वो स्टेटमेंट्स रखने हैं विच टेल यू दैट जो भी ऑथर हैं या फिर ऑथर नहीं बोलना चाहिए आई yes, गैस जो पहले नरेटर हैं या फिर कह लीजिए कि जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक नंबर टू आपको वो स्टेटमेंट्स देखने हैं विच टेलास दैट ही प्राउड ऑफ हीस तो जिसमें भी वो अपनी तारीफ कर रहे हैं फेस की गुड लुक्स की वो आप यहाँ रख दोगे नंबर थ्री सेंस ऑफ ह्यूमर जिनको पढ़ के आपको हंसी आ जाए द वे ही सेज डिफरेंट लाइंस वो आपको यहाँ प्लेस करनी है एंड फाइनली वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक वेन टेल्स यू नो ही नो मोर एनिमेज कट ऑफ द ग्रेनाइट या फिर यू नो सडनली ही वॉज अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड तो ये सब पॉइंटर्स आपको मिलेंगे दैट कैन बी केप्ट टू दिस कॉलम क्लियर बहुत इजी है लेट्स रीड दी स्टेटमेंट्स एंड देन वी विल सी कि हर एक कॉलम में हम कौन से स्टेटमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं आई वाज टर्न टू स्नो यानी कि वो एक स्टैच्यू बन चुके थे बिकॉज वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे स्नेक से आई वॉज नो मीयर इमेज कट इन ग्रनाइट यानी कि अब मैं बिल्कुल भी स्टैचू नहीं था तो फर्स्ट में ही इज टर्न इन टू अ स्टैचू दैट टेल्सास की वो डरे हुए थे स्नेक से सेकेंड में टेलसास की अब स्नेक जा चुका है और अब वो डरे हुए नहीं है ही हैज नो मोर दैट फियर और ही इज नो मोर अफ्रेड ऑफ द स्नेक द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि जब यू you नो know, स्नेक उनको कॉइल कर लेता है ही वॉज लाइक उनका जो लेफ्ट आर्म है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है ऑब्वियसली वो इतना जोर से कॉइल करके रखा था कैसा बोला है कि एक बिल्कुल यू you नो know, गर्म गर्म जो मेटल रॉड होती है उस तरीके से कोई उनको यू you नो know, कॉइल करके रखा हो हाथ को सो दैट इज समथिंग जो यहाँ पर बताया गया नेक्स्ट इज आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट एंड ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माइ लिटल हार्ट द वर्ड ओ गॉड सो द मोमेंट ही वॉज अगेन यू नो एबल टू सी कि मे बी एनी मोमेंट मैं यू नो मर सकता हूँ दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग अबाउट गॉड कि हां भाई गॉड का एग्जिस्टेंस है और वो कुछ कर तो सकते नहीं थे मुझसे बोल नहीं सकते थे हिल नहीं सकते थे तो वो क्या कर रहे थे वो इमेजिनेशन कर रहे थे कि वो अपने हार्ट के बाहर जो है ओ गॉड लिख रहे हैं आई डिड नॉट ट्रेम्बल आई डिड नॉट क्राई आउट मैं जो ना ही शिवर कर रहा था ना ही मैंने बहुत जोर से चिल्लाया जब स्नेक कोइल कर लेता है ऑब्वियसली बिकॉज वो करते तो स्नेक वुड हैव गॉट टू अंडरस्टैंड मे बी कि उन, उसको कुछ खतरा है तो वो जो है इनको काट सकता था आई लुक डिन टू द मेरा एंड स्माइल इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल अपने गुड लुक्स की बात हो रही है यहाँ पर कि जब मैंने मेरा में अपने आप को देखा आई थॉट कि मेरी जो स्माइल है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव क्लियर ऑल राइट

तो ये जो है यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं so, this is again what, comical, right? तो ये भी sense of humor बताता है ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर नाउ वी आर वेरी मच क्लियर स्टेटमेंट्स अब क्या करेंगे धीरे-धीरे we'll right. so, so, है स्नेक तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर टेलिंग वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक नंबर वन आई वॉज टर्न टू स्टोन वेन ही टर्न टू स्टैच बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक नंबर टू The arm was beginning to be drained of strength और वो फिर भी उसको move नहीं कर रहे थे इसका मतलब कि वो डरे हुए थे snake से clear I tried in my imagination to write and write letters outside my little heart the words oh god when you will think of god kab realize karte ho jab ek difficult situation mein hote ho that same thing happened with this homeopath doctor when he felt that his life is in danger to wo bhagwan ko yaad karne lagta hai

नेक्स्ट है वो इज प्राउड ऑफ हिज अपियरेंस तो जिसमें भी वो अपनी अपेयरेंस की बात कर रहे हैं स्माइल की बात कर रहे हैं दो ज्यादा वंस और जब वो बोलते हैं कि मैं एक बैचलर हूँ एक डॉक्टर हूँ दैट टाइम ही इज एडमायरिंग हिमसेल्फ सो आई लुक इन टू द मेरा एंड स्माइल इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल एंड इट आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट सो बोथ ऑफ दैम टेलास कि वो कितना ज्यादा अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं वाइल ही वॉज लुकिंग हिमसेल्फ इन टू द मेरा क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर तो हमें पता है भाई वो कौन कौन सी दो लाइन्स हैं नंबर वन वन ही इज टॉकिंग अबाउट द थीफ रिलेटेड टू दैट वेस्ट दैट ही हैड सच अ सेंस ऑफ क्लेनलीनेस एंड ही कुड हैव टेकन दैट थिंग दैट इज वेस्ट एंड वॉज डिट विथ सोपन वॉटर इन बोर इट तो ये पहला है जो सेंस ऑफ ह्यूमर बताता है बिकॉज वी आर एबल टू लाफ ऑन इट एंड वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजीन यानी स्नेक के बारे में जब वो बोलते हैं कि स्नेक अपने आप को मेरे में देख के क्या बोल रहा होगा या क्या सोच रहा होगा कि उसको भी है ना यानी एक मुस्ताज ग्रो कर लेनी चाहिए वो मुन स्पॉट पहन लाना चाहिए आई शारो यूज़ करना चाहिए मस्कारा लगाना चाहिए तो ये सब चीजें भी अगेन हमको फनी लगती हैं सो दिस टू यू नो काइंड ऑफ पोर्ट्रे द सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ दिस होम्योपैथ डॉक्टर क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक सेम थिंग जब ये बोला है आई वॉज नो मेयर इमेज कट एंड ग्रेनाइट यानी आई वॉज नो मोर अ स्टैच्यू मैं अब मूवमेंट कर रहा था सो दैट टाइम ही वॉज ओके बिकॉज स्नेक जो है वो बिजी था अपने आप को एडमायर करने में मिरर में एंड ही जस्ट रैन अवे आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फैश एंड ब्लड अगेन ही वॉज नो मोर अ स्टैच्यू ही वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड दिस मीनस वॉट कि अब वो डरे हुए नहीं थे फ्रॉम द स्नेक क्लियर बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है बट ऑल्सो यू गॉट डिफरेंट सेंटेंसेज जो कि याद रहेंगे आपको कभी आंसर मैंशन करना हो तो क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज एक्सप्रेशं यूज टू शो फीयर अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि कितने डिफरेंट वेज़ में यू नो वेन यू आर अफ्रेड और आपको यू नो फियर है उसको बताने के लिए हम कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेजेस यूज करते हैं क्लियर सो कैन यू फाइंड द एक्सप्रेशन इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट द ऑथर वॉज फ्राइटड रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग

ज़्यादा डरे हुए थे ये होम्योपैथ डॉक्टर क्लियर कोई भी मूवमेंट मैं करता तो मे बी स्नेक जो है मुझे अटैक कर देता क्लियर आई सैट दे माई ब्रेथ सिमिलरली वो जो है ब्रीदिंग भी नहीं करते हैं सांस भी नहीं ले रहे प्रॉपर क्योंकि उन्हें वो जो वाइब्रेशन है वो सेंस कर लेता वो. स्नेक uh, और वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं ऑब्वियसली वो स्नेक से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं सो दिस अगेन इज एन एक्सप्रेशन विच आज दैट हाउ मच अफ्रेड दिस होम्योपैथ डॉक्टर वॉज क्लियर एंड इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश एंड आई वॉज लाइक लुकिंग लाइक मैं एक स्टोन इमेज बन चुका हूँ एक स्टैचू बन चुका हूं बट किसकी तरह इन द फ्लैश क्यों बोला हैव यू नो दैट फ्लैश दैट ब्लड तो, तो है तो भैया वो ह्यूमन बींग ही लिविंग बींग बट वो उस वक्त एक स्टैच्यू में टर्न हो गए थे दैट मीन्स वो इतना डर गए थे दैट ही वॉज नॉट इवन मूविंग क्लियर तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है

कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो यहां पे ये बताएंगे कि इज वेरी फ्राइटन यानी कि जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है कुछ एक्सप्रेशन हैं जो ये बताएंगे कि इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि ही इज वेरी स्केर्ड टू मूव यानी कि मूव भी नहीं करना चाहते ऑफ sort of एक स्टैच्यू में टर्न हो गया। Is frightened by something that happens suddenly. कुछ expressions का meaning ऐसा है कि कुछ ऐसा एकदम से हो गया सडनली कुछ ऐसा हो गया कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाना एंड फाइनली मेक्स अनादर फील्ड फ्राइटेंड यानी कि ऐसा कुछ करना जिससे दूसरा कोई जो है उसको हम डरा दें। तो बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशन है वील we'll रीड कि किस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग यहाँ पे पोर्ट्रे हो रहा है फ्रॉम दीज फोर मीनिंग्स क्लियर ऑल राइट

Wits. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि मुझे समझ आ गया था मैन जो मुझे फॉलो कर रहा था एंड ऑबली वो क्या है वो ऐसा कुछ होगा जिससे मैं डर जाऊँ राइट right? तो ये जो लिखा है scared out of my wits. This is the one जो सेंसेज है. मतलब है आपके तो मैं जो हूं बिल्कुल हर जगह से सिक्स या पूरी बॉडी से इतना ज्यादा डर गया था तो इसका मतलब क्या हुआ मैं बहुत ज्यादा फ्राइटेंड क्लियर तो यहां पर वेरी फ्राइटेंड इज द मीनिंग जो कि कन्वे करते हैं सिमिलरली बाकी के सेंटेंसेस में भी कुछ ना कुछ इटालिक्स में mentioned है वी हैव टू सी कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है किस मीनिंग को पोर्ट्रे कर रहा है क्लियर नेक्स्ट इज आई गॉट अ फ्राइट वेन आई रियलाइज हाउ क्लोज आई वॉज टू द क्लिफ एज तो यहाँ गॉट a fright का मीनिंग हमको देखना है सेंटेंस समझ लेते हैं फिर हम मीनिंग्स डिस्कस कर लेंगे कि वेन आई रियलाइज हाउ क्लोज आई वॉज टू द क्लिफ एज यानी कि बिल्कुल ऐसा इमेजिन कर लो कि शॉर्ट ऑफ आप जो है किसी के एज पे बिल्कुल किनारे पे खड़े एंड यू कैन फॉल एनी टाइम इमेजिन कर लो आप बिल्कुल छत पे हो और क्लिफ बिल्कुल एक जो एज है वहाँ पे खड़े हुए यू कैन एनी टाइम फॉल यू नो फ्रॉम द रूफ जो भी हो सेकंड फ्लोर हो थर्ड फ्लोर हो तो वो क्या है वो अगेन बताता है कि आप कितने डरे हुए हो तो यहाँ पे गॉट अ फ्राइट का मीनिंग हमको बताना है इन टर्म्स ऑफ दिस सेंटेंस नेक्स्ट ही नियरली जम्प्ट आउट ऑफ स्किन वेन ही सॉ बुल कमिंग टू Him. ऐसा बोला है आउट ऑफ स्किन यानी कि ऐसा लग रहा था कि इसको ऐसा बोलते हैं कि वो सामने लाइन इतना ज्यादा डर गया था यानी कि स्किन से ही बाहर आ जाना अब ये लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कोई नहीं आ सकता स्किन के बाहर बट इसका मतलब ये है कि हम इतने ज्यादा डर गए कि जैसे ही उसने अपने आप को बुल को आते हुए देखा उसके सामने तो वो बुल को देखकर क्या हुआ बहुत ज्यादा डर गया तो ऐसा लग रहा था ही कुड ही नो ही वॉज अबाउट टू जम्प आउट ऑफ स्किन तो यहाँ पे इटालिक्स में क्या है आउट ऑफ स्किन और इसी का मीनिंग जो है हमको बताना है कि क्या मीनिंग यहाँ पोर्ट्रे हो रहा है क्लियर ऑल राइट सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है यू रियली गेव मी अ फ्राइट यू अप बिहाइंड मी लाइक दैट तो यहाँ पे क्या दिया है गेव मी अ फ्राइट यानी सामने वाले को डरा दिया और यहाँ क्या लिखा है वेन यू अप बिहाइंड मी लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल यू नो हम होता है ना कि हम छुप जाते हैं कहीं पे सम पर्सन वुड गो तो हम क्या समय एकदम से कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो पर्सन डर जाता है सॉर्ट ऑफ यहीं पे है कि मेरे पीछे से जब तुम आए तो मैं जो हूँ बहुत ज्यादा डर गया वेट अंटिल आई टेल हे स्टोरी इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन

राइट right? पैरालाइज का मतलब क्या होता है वो बॉडी पार्ट मूव नहीं करता तो पैरालाइज विद फियर यानी डर के मारे मूव ना करना टू स्केयर टू मूव दैट इज समथिंग जो पर बताया गया है एंड फाइनल द बॉय बिहाइंड डोर नॉट मूविंग अ मसल तो इस तरीके से वो छुप गया पीछे यू नो डोर के कि नॉट इवन मूविंग अ मसल यानी कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी बॉडी में इतना ज्यादा वो डरा हुआ था क्लियर तो so, हर किसी में मीनिंग तो वही है कोई ना कोई डरा हुआ है कुछ अफ्रेड या फियर की बात हो रही है बट उस मीनिंग जो है वो किस तरीके डिफरेंट different, different है नाउ दैट वी विल डिस्कस इन दी आंसर्स तो जैसे फर्स्ट वाला तो आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है सॉल्व दैट इज आउट ऑफ स्कै आउट ऑफ माइ विट मतलब बहुत ज्यादा खुद के बारे में बोल रहे हैं कि हम इतना ज्यादा डर गए थे दैट आई वॉज स्कैड जब मैं बिल्कुल एज पे था तो आई वॉज सो मच अफ्रेड की मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था राइट तो गॉट अफ्राइट मीन्स टू स्केट टू मूव डन ऑल राइट ही नियरली जम्पड आउट ऑफ हिस्सिन तो वो जो है बिल्कुल एकदम से बुलाया Right? तो कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से आप डर जाओ उसे कहोगे हाँ पे आउट उस स्किन. तो क्या बोलेंगे? वो बुल का आना पहले से तो उसको नोटिस नहीं मिला होगा नोटिफिकेशन तो आया नहीं होगा उसी वक्त सडनली हुआ तो इसीलिए इस सेंटेंस को यहां पर एक्सप्लेन करता है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज यू रियली गेव मी अट कैप्टॉप बिहाइंड मी लाइक दैट कुछ ऐसा करना जो कि सामने वाले को डरा दे दिया भी है यू रियली गेव मी अटे डरा दिया तो यहाँ मीनिंग क्या हुआ मेक समील फ्राइटेंड क्लियर ऑल राइट वेट अंटिल आई टेल दरी इट विल मेक योर है स्टैंड ऑन एंड तो तुम्हारे बाल जो है वो खड़े हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया कि तुम डर जाओगे सो दैट इज अगेन वेरी फ्राइटेंड क्लियर पैरालाइज विद फीयर अभी बात हो चुकी है पैरालाइज का मतलब क्लियर एंड फाइनली बॉय हिट बिहाइंड डोर नॉट मूविंग अ मसल खुद ही move, तो answer, finally, door, not moving muscle, बोल दिया है नॉट मूविंग इसका मतलब टू स्केट टू मूव यानी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी बॉडी में बिकॉज ही वॉज दैट स्केट क्लियर तो बहुत ईजी था बट आपने देखा कितने डिफरेंट तरीके से मीनिंग्स निकलते हैं ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज रिपोर्टेड क्वेश्चन यानी रिपोर्टेड स्पीच वगैरह अगर आपने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो ये किस तरीके के क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट्स इस चैप्टर में यूज़ किए गए वो हम पढ़ने वाले हैं स्टडी दीज सेंटेंसेज हिज फ्रेंड आस्ट डिड यू सी द स्नेक दैक्स्ट डे डॉक्टर हिज फ्रेंड आस्ट द डॉक्टर वेदर और इफ ही हैड सीन द स्नैक द नेक्स्ट डे इफ यू हैव रेड यू नो द रिपोर्टर स्पीच अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आई ऑलरेडी टॉट दिस वेरी वेल तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर मैंशन था कि हिस्स फ्रेंड आज द डॉक्टर जैसे बोला है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ठीक है तो क्वेश्चन वाले को जब हम चेंज करते हैं तो हम किस तरीके से चेंज करते हैं या तो हम यूज करते हैं वेदर या इफ क्लियर तो हम पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ तो यहां पर हम जो है क्या बोल रहे हैं एक इनडायरेक्ट वे में हम बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो किस तरीके से चेंज करेंगे ऑब्वियसली हिज फ्रेंड आज द डॉक्टर किससे पूछा है डॉक्टर से सो द डॉक्टर अब डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर क्या आपने देखा था तो इसको हम या तो लिख सकते हैं इफ या फिर लिख सकते हैं वेदर और क्योंकि ये जो है वो प्रेजेंट टेंस में है हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट में सो इट वुड बिकम ही हैड सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे डिटेल में समझना है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे थे तो अब हम डायरेक्ट जो है सिर्फ छोटे मोटे रूल्स देखेंगे एंड देन वील स्टडी देम क्लियर

अब इसी के कुछ यू you नो know, और सेंटेंसेस हैं फिर हम अभी रूल्स भी देखेंगे सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर नेक्स्ट सेंटेंस दिया है समवन आर्ज व्हाई हैज द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड तो यहां पर अगेन क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे हम समन आज वाई हैड लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड अब इफ या वेदर नहीं पूछ के हमने यहां पर डायरेक्ट वाई के यूज करा क्योंकि यहां डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया गया है अगेन दिस इज द रूल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लियर तो ये वाई द थीफ हाँ द वेस्ट बिहाइंड तो क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है तो हम यहां पर और इफ वेदर का यूज ना करके डायरेक्ट उसी वर्ड को मेंशन कर देते हैं डन द वर्ड्स इफ़ और वेदर आर यूज टू रिपोर्ट क्वेश्चन विच बिगिन विथ डू विल कैन हैव एक्सेट्रा यानि कि अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है डब्ल्यू एच वर्ड्स नहीं है वॉट वाई वेन विच तो उस वक्त अलग से जो क्वेश्चन के वर्ड्स होंगे जैसे कि डू डिड विल कैन तो इस वक्त हम इफ़ या वैदर से इनको रिप्लेस करते हैं हम डिड डू इन सब को एज़ इट इज़ नहीं रखते हैं किस में इनडायरेक्ट स्पीच में दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड येस और नो डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है उनको डिटेल में आंसर करते हैं बट जो ये क्वेश्चन होते हैं डेड कैन इन सब के क्वेश्चन होते हैं येस नो क्वेश्चन बोलते हैं इनको यानी कि इनका आंसर यहाँ तो येस होगा या नो होगा एलैबोरेट वे में इसका आंसर करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन बिगीनिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स दैट इज वाई वेन वेर हाउ विच वॉट आर रिपोर्टेड यूजिंग दीज सेम वर्ड्स अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू एच वर्ड दिख जाता है तो हम उसको एज इट इज इन डायरेक्ट स्पीच में कॉपी करते हैं The reporting verbs we use in questions with if, whether, why, when, etc. are ask, inquire, and wonder. अब यहाँ पे हम जो है हमेशा कुछ लोगों को जैसा use करते हैं जैसे for example request हो जाती है तो requested, commanded, ordered ये words का use होता है but जब questions की बात आती है तो हम क्या use करते हैं if, whether, why, when कुछ भी हो यानी कि हम कोई भी question को change कर रहे हैं into indirect speech तो हम use करते हैं कुछ words जैसे the person asked, inquired, wondered, सोच रहा था, पूछ रहा था

वो हम किस को किस में चेंज करते हैं हम ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं क्लियर तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो किसी ना किसी पास टेंस में ही चेंज होगा हेयर टूडे टुमोरो येस्टडे अब ये जो पार्ट्स हैं ऑफ डेज के कब हुआ कैसे हुआ उसे भी हम चेंज करते हैं जैसे कि अगर नेक्स्ट बोलना है तो हम बोलेंगे फॉलोइंग इनडायरेक्ट में क्लियर हेयर चेंज हो जाता है देयर में टुडे चेंज जाएगा दैट डे में क्योंकि हम उस दिन की बात बता रहे हैं डायरेक्टली टुमोरो हो जाता है द नेक्स्ट डे येस्ट डे हो जाता है द डे बिफोर एक्सेट्रा और भी तरीके होते हैं इनको चेंज करने के जो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट है तो इस तरीके से इनको चेंज करते हैं लाइक हेयर वुड बिकम देर टुडे वुड बिकम दैट डे टो वुल बिकम द नेक्स्ट डे क्लियर जैसे नेक्स्ट वीक विकम द फॉलोइंग वीक क्लियर ऑल राइट आय और यू चेंज टू मी हिम ही एज नेसेसरी ओब्वियसली पर्सन भी चेंज हो जाते हैं जो पर्सन प्रोनाउन होते हैं दे ऑल्सो चेंज क्योंकि आप किसी और की बात को इंडायरेक्टली कन्वे कर रहे हो तो आप वही नहीं बोलोगे आय ठीक है ही शी ठीक है तो उसने बोला तो वो चीजें हो जाती हैं उस तरीके से हम चेंज करते हैं अगर हमें भी बताना है कि थर्ड पर्सन तो हम ही हिम हर ये सब यूज करने लगेंगे क्लियर फॉर एग्जाम्पल ही सेट टू मी आई डोंट बिलीव यू तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बिलीव नहीं करता राइट तो क्या बोलेंगे यहां पर उसने बोला है तो ही सेड ठीक है और उसने क्या बोला ही क्योंकि आई कौन है यहाँ पर वो खुद की बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा ही डिड नॉट और किसको बिलीव नहीं करता मुझे नहीं करता तो बिलीव मी क्योंकि अब मैं बता रही हूं इनडायरेक्टली क्लियर तो इस तरीके से पर्सन में चेंज होता है नेक्स्ट शी टू हिम उसने उसको कहा तो शी और हिम है तो उसको एज इट इज रखो शी टोल्ड हिम उसने उसको बताया शी सेट टू तो हिम एक ही बात है दैट आई डोंट बिलीव यू तो वो किसको बिलीव नहीं करती हिम को तो आई कौन हो जाएगा शी डिड नॉट बिलीव हिम का हम वैसे का वैसा रखेंगे टली अंडरस्टैंड मोर बट आई थिंक अभी इतना भी समझ आ गया होगा बहुत यहां पर डिस्क्राइब है डन ऑल राइट रिपोर्ट दीज क्वेश्चन इफ और वेदर और वाई वेन वेयर हाउ विच वॉट रिमेंबर Past जो भी में है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन में बट अगर इफ वेदर आर सॉरी अगर डब्ल्यू एच की जगह और कोई वे है क्वेश्चन करने का तो फिर वहां पर आप इफ यहां वेदर का यूज करोगे क्लियर ऑल राइट लाइक मीना आस्ट हेंड डू यू थिंक योर टीचर विल कम टूडे नंबर वन यहाँ पर डू का यूज है डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो इफ यूज करो या फिर वेदर यूज करो डिपेंडिंग आपको जो भी यूज करना है वो तार एब्सोल्यूटली करेक्ट मीना ने किससे पूछा उसकी फ्रेंड से तो यहाँ पर कोई भी पर्सन का रोल नहीं है तो हम एज इट इज रखेंगे मीना आज हेंड फिर आप यहां पे इन्वर्टेड कॉमास और डू को हटा के इफ दोगे। सो इफ अब यू डू यू थिंक योर टीचर ने अपनी फ्रेंड से क्या पूछा? तो तुम्हें लगता है कि जो है वो आज आएंगे तो वो जो तुम्हें है फ्रेंड वो ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है। तो आप जो mention करना चाहो कर सकते हो इफ ही फिर शी और क्योंकि थिंक इज इन प्रेजेंट करना है पास्ट में चेंज तो थॉट हिज और हर टीचर वुड कम दैट डे क्लियर ऑल राइट क्योंकि डेविड हिज हिस्सक वेर विल यू गो दिस समर डब्ल्यू एच वर्ड है तो यहाँ इफ वेदर का जरूरत नहीं है एज इट इज रखो नंबर वन नंबर टू यहां पर विल है तो ये हो जाएगा वुड नंबर थ्री यहां पे डेविड ने अपने कलीग से पूछा यहां कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है बट यू कौन है यहां पर उसने अपनी कलीग से पूछा तो कलीग जो है वो यहां पर हम चेंज कर देंगे ही में डन सो इट वुड बिकम डेविड हिज हिस्कुलग वेर ही वुड गो दैट समर क्योंकि दिस है ना दिस का बन जाता है दैट क्लियर ऑल राइट

आर यू स्टार्टिंग इंग्लिश अब आर जो है वो प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा वो पास में चेंज इट वुज पे यू जो है वो कौन है कोई और पर्सन है तो यू कौन है यहाँ पर वो लिटिल बॉय तो इट वुड बिकम ही क्लियर सो दिस वु चेंज टू ही बॉय वाई ही वॉज स्टार्टिंग इंग्लिश क्लियर और हर जगह ऑब्वियसली आप क्वेश्चन मार्क को जो है वो रिमूव कर देंगे बिकॉज हम इंडायरेक्टली बता रहे हैं किसी से आप पूछ नहीं रहे हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट इज शी आज मी वैन आर वी गोइंग टू लीव अगेन इट्स अ डब्ल्यू एच वर्ड तो यहां पर एज इट इज उसको कॉपी करोगे शी आज मी ठीक है तो क्या लिखेंगे शी आज मी ही लिखेंगे क्योंकि मैं वही बता रही हूँ उसने मुझसे पूछा इसमें पर्सन चेंज करने की जरूरत नहीं है वेन को वैन रखोगे इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाएंगे आर क्या है आर वी गोइंग टू लीव तो आर क्या है प्रेजेंट किसमें चेंज करोगे पास्ट में सो so, वैन और वी कौन है हम सब ठीक है तो ये हो जाएगा दे वर गोइंग टू लीव Clear? All right. Pran asked me, have you finished reading the newspaper? Again, this is have. WH word नहीं है तो यहाँ if या whether को use करोगे accordingly आपको जो भी सही लग रहा है so it would become Pran asked me if और फिर यहां पर यू जो है वो कौन है वो उसने मुझसे पूछा तो हो जाएगा आई तो इफ आई फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज पेपर वुड बिकम हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज पेपर क्लियर तो ये जो टेंसेज का काम है जो रूल्स हैं इफ वेदर ये सब आप फिर से देख सकते हो रिपोर्टेड स्पीच वाले वीडियो में सो दैट यू गेट मोर क्लियर यू नो व्यू और सारे भी जो डाउट्स होंगे अभी वो क्लियर हो गए होंगे बट आई गेस अभी तक जितने भी जो छोटे मोटे रूल्स थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और वहीं यहां पे अप्लाई हो रहे थे इट्स जस्ट दैट अगर आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूज

शीला आज द चिल्ड्रेन आर यू रेडी टू डू द वर्क अगेन डब्ल्यू एच क्वेश्चन है क्या नहीं तो दिस वु इफ और वेदर नंबर थ्री या शीला आज द चिल्ड्रन उसको एज इट इज रखने वाले हो इन्वर्टेड कॉम्स हटा के तो शीला आज द चिल्ड्रेन इफ अब यू कौन है ये चिल्ड्रेन है तो क्या हो गया आप लूरल तो ये इसमें चेंज हो जाएगा दे में सो दे एंड रेडी टू डू द वर्क इज प्रेजेंट पास में हो जाएगा दे वर रेडी टू डू द वर्क क्लियर ऑल राइट So, with this, we come to an end of all the NCRD questions that have been asked related to this chapter, The Snake and the Mirror. I hope. ऑल दो आपको जो स्टोरी है वो ऑलरेडी क्लियर थी तो वो तो सारे डाउट्स क्लियर हो ही गए जैसे अगर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए बट ऑल्सो यू गेट टू लर्न अल लॉट ऑफ थिंग्स वैन यू सॉल्व दिस एनसीआर क्वेश्चन एंड आई होप यू ऑल्सो गोट टू लर्न दोज थिंग्स टू इवन जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका रिवाइज हो गया देन आपको ये सब चल गया किस तरीके से यू नो फ्राइटनिंग वाले जो एक्सप्रेशन है वो कैसे पता चलते हैं यू नो कि कोई और फ्राइटेंड है या सडनली कुछ ऐसा हुआ इसकी वजह से फ्राइटेंड है या हम जो है इतने फे स्केर्ड है दैट वी आर नॉट एबल टू मूव तो ये सारे एक्सप्रेशन जो है आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड from this chapter. Now in the next video we will discuss the next topic but before that you have to get to know this thing that is Magnet Brains ki channel pe you get 100% free class 4th to 12th online school education. So if you have any doubt related to your school curriculum or syllabus you can definitely go and visit the videos which are respectively of your classes so that all your doubts are clear. So we will meet in the next video very soon. Till then take care of yourself or is topic keynotes ki key link aap डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय